उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, साथ ही इससे अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हो चुका है। वैसे ग्लेशियर टूटने से लेकर पिघलने तक का दोष विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग को देते आ रहे हैं। एक स्टडी बताती है कि हिमालय के लगभग 650 ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। बीते दो दशकों में हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना बढ़ा है, ये बात साल 2019 में हुई एक स्टडी में सामने आई। स्टडी के तहत 40 सालों तक भारत, चीन, नेपाल और भूटान में फैले हिमालयन ग्लेशियर्स पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई, जिसमें नतीजे निकल कर आए कि ग्लोबल वार्मिंग इन ग्लेशियर्स को पिघला रही है। साल 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही, लेकिन इसके बाद के सालों में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। आपको बता दें, स्टडी के नतीजे विज्ञान पत्रिका साइंस एडवांसेस में प्रकाशित हुई। धरती की तस्वीरें खींचने के लिए अमेरिका ने 70 और 80 के दशक में जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। उनसे मिले चित्रों को 3D मॉड्यूल में बदलकर ये शोध हुआ। इसके मुताबिक 1975 से 25 सालों तक हिमालय रेंज के ग्लेशियर जहां हर साल 10 इंच तक घट रहे थे, वहीं 2000 से 2016 के बीच हर साल औसतन 20 इंच तक घटे। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी होने के बाद 8 देशों के लिए खतरे की घंटी बजी है, जिसमें भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, ये 8 देश हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में हैं। और 650 ग्लेशियर्स के खतरे में आने के बाद यहाँ के जनजीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। तब सवाल ये है कि कब तक पिघल जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर्स। अगर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के मद्देनजर चलाए जा रहे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट प्रयास नाकाम हुए तो साल 2100 तक हिमालय क्षेत्र के 2/3 ग्लेशियर्स पिघल चुके होंगे। अब चलिए ये जान लेते हैं कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं। दरअसल ग्लेशियर्स वास्तव में बर्फ की विशाल मात्रा होती है जो जमीन पर धीरे धीरे बहती है। ग्लेशियर के दो प्रकार होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर या घाटी ग्लेशियर या फिर पहाड़ी ग्लेशियर और बर्फ की चादर। उत्तराखंड की घटना का संबंध पहाड़ी ग्लेशियर प्रकार से है जो ऊंचे पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर कई बार खतरनाक हो जाते हैं। वैसे तो ग्लेशियर घाटी की ओर धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन कुछ ग्लेशियरों में पूरी की पूरी बर्फ पहले एकदम से नहीं बहती बल्कि हिमस्खलन का रूप ले लेती है, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ घाटी में गिरने लगती है, जैसे चिमोली की नीति घाटी में हुआ। ये विशाल मात्रा की बर्फ एक साथ बहते हुए आना आसपास की सभी चीजों को ढक लेती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.